IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान भले ही खिताब जीतने में नाकाम रही हो, लेकिन ये पूरा सीजन उसके सलामी बल्लेबाज जॉश बटलर के नाम रहा। बटलर ने फाइनल मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए 39 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ ही बटलर ने इस सीजन में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने टूर्नामेंट में खेले 17 मैचों में 149.05 के स्ट्राइक रेट और 57.53 की औसत से सबसे अधिक 863 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। इसके साथ साथ IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने की बात करें तो ये रिकॉर्ड भी बटलर के नाम ही रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए। सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो 45 छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। बटलर यही नहीं रुके, शायद हर रिकॉर्ड वो अपने नाम करने की ठान चुके थे और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज्यादा 83 चौके जड़ के ये कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किया। चलिए आपको बताते हैं कि इन रिकॉर्ड्स के लिए बटलर को कितना इनाम मिला। राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर को सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा चौके लगाने के लिए 10-10 लाख रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीजन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। इन सभी अवार्ड्स के लिए भी उन्हें 10-10 लाख रुपए मिले। ऑरेंज कैप मिलने के बाद जॉश बटलर काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस सीजन में अपनी टीम के लिए खिताब जीतना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं कर पाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में मिली हार के बाद बेहद निराश हूं। इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स सिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।